नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे आप जंबो का आईडी लगा के आपने अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं, अर्थात आप 20 से 25,000 तक बहुत ही आसानी के साथ कमा सकते हैं आप इसका आईडी लगा के, क्योंकि आपको एपीएस सर्विस में सबसे ज़्यादा कमीशन इसी कंपनी के द्वारा देखने के लिए मिलेगा। आपको क्या कमीशन मिल जाएगा, आप इसका आईडी कैसे लीजिएगा, अभी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी इस वीडियो में जंबो के बारे में, तो वीडियो के एंड तक बने रहे, चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात कर ले कि आप इसका आईडी कैसे परचेज कीजिएगा, तो आप डायरेक्ट मेरे द्वारा इसका आईडी परचेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर देखिए अभी आपको डिस्प्ले पे से हो रहा है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। आप वहाँ से भी कॉन्टैक्ट करके डायरेक्ट व्हाट्सएप के माध्यम से इसका आईडी परचेज कर सकते हैं। आप चलिए बात करते हैं इसके सर्विस के बारे में कि आपको इनके साथ क्या क्या सर्विस मिलेगी और आपको उस सर्विस के ऊपर कितना कमीशन बन जाएगा। देखिए यहाँ क्या रहा है, आवर सर्विस, उसके बाद क्या बोल रहा है बैंकिंग, आपको बैंकिंग सेक्टर के लिए देखिए मिल जाएगा एपीएस विड्रॉल, मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी, उसके बाद आधार पे, आधार डिपॉजिट, माइक्रो एटीएम, मनी ट्रांसफर, आपको ये सर्विस मिल जाएगी बैंकिंग सेक्टर की सर्विस। उसके बाद देखिए रिचार्जेज की सर्विस मिल जाएगी आपको, प्रीपेड रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज और कार्ड रिचार्ज यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद देखिए BBPS अर्थात भारत बिल पेमेंट सिस्टम भी यहाँ से मिल जाएगा आपको, XST बिल पेमेंट, पोस्टपेड बिल पेमेंट और लोन रीपेमेंट, आप ये भी यहाँ से कर सकते हैं, अपने कस्टमर को सर्विस दे सकते हैं। उसके बाद देखिए अदर सर्विस में है पैन वेरिफिकेशन, आधार वेरिफिकेशन, पैन कार्ड और फास्टैग, आपको ये सर्विस भी मिल जाएगी अदर सर्विस में यदि बात कर लिया जाए तो। चलिए आप बात करते हैं कि इस सर्विस को यदि आप इस्तेमाल कीजिएगा तो आपको क्या कमीशन बन जाएगा। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं APS की। देखिए सबसे ऊपर में आपको देखने के लिए मिलेगा APS विड्रॉल पे आपको 0.35% के हिसाब से कमीशन देखने के लिए बन जाएगा। उसके बाद मिनी स्टेटमेंट आपको 1 रुपया बनेगा। यदि आप बैलेंस इंक्वायरी कीजिएगा तो आप अपने कस्टमर को फ्री में दे सकते हैं, इसके लिए आपको ना तो कोई कमीशन बनेगा और ना ही कस्टमर के अकाउंट से 1 रुपया भी चार्ज लगेगा। उसके बाद आधार डिपॉजिट के माध्यम से देखिए आपको 5 रुपया पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से, आपको प्रत्येक ट्रांजेक्शन के हिसाब से 5 रुपया कमीशन बन जाएगा। और आधार पे के लिए देखिए आपको 0.40% का चार्ज भी पे करना होगा। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके APS कमीशन की। यदि आप रिटेलर आईडी लीजिएगा तो इसके लिए आपको क्या कमीशन बनेगा, डिस्ट्रीब्यूटर लीजिएगा तो क्या कमीशन बनेगा, और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर लीजिएगा तो आपको क्या कमीशन बन जाएगा। यदि आप रिटेलर ले रहे हैं और पैसे निकाल रहे हैं अपने कस्टमर के अकाउंट से आधार कार्ड के माध्यम से, तो आपको देखिए 500 रुपये पे 1.75 पैसा अर्थात 1.75 रुपया का कमीशन बन जाएगा। यदि आप डिस्ट्रीब्यूटर लीजिएगा तो इसके लिए आपको 21 पैसा का कमीशन बनेगा, और मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर अर्थात सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी आपको वही कमीशन बन जाएगा। यदि कस्टमर के अकाउंट से रिटेलरशिप लेकर के आप निकाल रहे 1,000 रुपया, आपको इसके लिए 3.50 रुपया, ये सबसे हाईएस्ट कमीशन है APS सर्विस के मामले में। इतना कमीशन कोई भी कंपनी आपको प्रोवाइड करके नहीं देती है। वहीं आपको सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए 42 पैसा और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी आपको 42 पैसा का कमीशन बनेगा। उसके बाद यदि आप रिटेलर लेकर के निकाल रहे हैं पैसे 2,000 रुपया, इसके लिए देखिए आपको 7 रुपये का कमीशन बनेगा। अदर APS सर्विस का इस्तेमाल कर लिया जाए, आप किसी भी कंपनी का यदि आप APS इस्तेमाल करते होंगे, आपको 2,000 रुपये 7 रुपये कमीशन नहीं बनता होगा। इसमें आपको कम से कम 2 रुपया, 3 रुपया, मैक्सिमम 5 रुपये तक का बन जाता होगा, लेकिन आपको जंबो की तरफ से 7 रुपये का कमीशन बन जाएगा। वहीं बात कर ले 3,000 यदि आप पैसा निकलेगा अपने कस्टमर के अकाउंट से तो 10.50 रुपया का कमीशन बनेगा। वहीं आपको यदि डिस्ट्रीब्यूटर लिए होंगे तो आपको 1.26 रुपया, और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी आपको वही 1.26 रुपया का कमीशन बन जाएगा। यदि आप कस्टमर के अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं इसका रिटेलरशिप लेकर के 4,000 रुपया, तो आपको देखिए 14 रुपया कमीशन बनेगा। इतना हाईएस्ट कमीशन कोई भी कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है, लेकिन ये जंबो की तरफ से आपको कमीशन देखने के लिए मिलेगा। यदि आप इसका डिस्ट्रीब्यूटर लीजिएगा 0.68% अर्थात 1.68 रुपया का कमीशन बनेगा। यदि आप सुपर लीजिएगा तो इसमें भी आपको सेम कमीशन देखने के लिए बन जाएगा। यदि आप 5,000 रुपया निकाल रहे हैं इसका रिटेलरशिप लेकर के, आपको देखिए 17 रुपया, इसमें आपको हाईएस्ट कमीशन बनेगा 17.50 रुपया का। इतना ज़्यादा कमीशन कोई भी कंपनी, कोई भी चाहे वो स्पाइस मनी हो, पेनियर बाय, इतना ज़्यादा आपको हाईएस्ट कमीशन प्रोवाइड नहीं करती है। अब चलिए बात करते हैं इसके ऑर्बिस सर्विस के बारे में। देखिए आपको ऑर्बिस के साथ बेनिफिट देखने के लिए मिल जाएगा, प्लेटफॉर्म, ऑल बैंकिंग ट्रांजेक्शन, सेफ ट्रांजेक्शन चार्ज, नो क्यूब चार्ज, नो मंथली चार्ज फॉर मिनी ATM एंड अदर सर्विस, आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना होगा इसके लिए। उसके बाद देखिए लो इन्वेस्टमेंट एंड हाईएस्ट रिटर्न, उसके बाद फास्ट एंड सिक्योर ट्रांजेक्शन आपको इनके साथ देखने के लिए मिलेगा। आप इसका यदि आप आईडी अभी लेते हैं, अभी से लेकर के 15 फरवरी तक, तो आपको इसका आईडी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसके लिए आपको 1 रुपया भी नहीं पे करना होगा। यदि आप 15 फरवरी के बाद लीजिएगा फिर आपको इसके लिए राशि पे करना पड़ जाएगा।
लेकिन 15 फरवरी तक अभी ऑफर है, आप 15 फरवरी तक इसका आईडी फ्री ऑफ कॉस्ट में ले सकते हैं और इसका रिटेलरशिप लेकर के अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। और मैक्सिमम बात कर लिया देखिए, आपको रिटेलर के लिए 0.35% के हिसाब से कमीशन बन रहा है और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए 12% का कमीशन बन रहा है और एरिया अर्थात सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी आपको 12% का कमीशन बन रहा है यदि आप इसके SPS सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि आप मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटर लेकर के अपने नीचे में रिटेलर बनाए, रिटेलर एक वर्क कर रहा है, आपको 12% का कमीशन बनेगा। जैसा कि आप यहाँ देख पाएंगे आपको इस पर का कमीशन देखने के लिए मिल जाएगा। यदि आप इस कंपनी को लेकर के इनके साथ वर्क कीजिएगा तो सबसे हाईएस्ट कमीशन बनेगा आपको APS सर्विस। यदि आप इसका आईडी लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट मेरे द्वारा इसका आईडी परचेज कर सकते हैं। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।